हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है अंडर वाटर के ऊपर। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि अंडर वाटर बनाओ, तो मैं चलो एक अंडर वाटर द्वारा रिन्यू बना देते हैं। तो उससे पहले मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे अभी ग्रुप में वीडियो भेजी थी मेरे भाई ने, उसकी ब्रेस्ट स्ट्रोक में मैं बता दूँ कि उसकी एक किक तो ऐसी चल रही थी, दूसरी किक उसकी ऐसी चल रही थी। मतलब कि जो पानी ज़्यादा बाहर फेंक रही है वो किक गलत चल रही है, वो नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि आदत हो जाती है इस चीज़ की, आप प्रैक्टिस मत करो। दोनों पैर एक ऐसे चलने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये सपोज करो आपके पैर है, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला ऐसे रहते हैं। ठीक है, जब आपने फोल्ड करने तो ऐसे, देन किक ऐसे। ठीक है, जब ऐसे हो जाएगी तो ऐसे खींच देना है। तो ये ऐसे चलने चाहिए। कैसे चलाते हो आप? एक पैर ऐसे चलाते हो, ये किक, ये आप ऐसे पैर चलाते हो, ये पैर ऐसे नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात, ब्रेस्ट और अंडर वाटर में फ़र्क क्या है? ब्रेस्ट में आप हाथ खींच के यहाँ तक लेके जा सकते हो, और सॉरी अंडर वाटर में आप हाथ को ऐसे करके यहाँ तक लेके जा सकते हो, इससे स्पीड बढ़ती है। पर ब्रेस्ट में आपको सिर्फ यहाँ तक ही चलाने होते हैं। अगर आप ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे हो तो आपको हाथ यहीं तक चलाने होते हैं, मतलब कि इससे ऊपर ऊपर चलाने होते हैं। ये बात याद रखना कि ब्रेस्ट में आपने यहाँ तक चलाने हैं। तो आज अंडर वाटर पे करेंगे, तो अंडर वाटर और ब्रेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। ब्रेस्ट और अंडर वाटर में लेग दोनों सेम चलती है। ठीक है, लेग्स अगर आप इक्वल चाहोगे, अब बस अंडर वाटर में आप जितनी मर्जी खोलो कोई इशू नहीं है, पर ब्रेस्ट में अगर कम खोलोगे स्पीड अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, और अंडर वाटर में आप हाथ नीचे तक लेके जा सकते हो, ठीक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और हाथ को फिंगर्स ऐसे खोल के, यानी बंद रख के, ऐसे करके ऐसे खोला, पावर से खींचा, ज्वाइंट किए, नीचे मार दिया। ठीक है, ये पावर, मतलब कि ये आपने अप्लाई करना है पानी के अंदर। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पानी के अंदर जाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सअप ग्रुप पे लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको स्विमिंग से या मोबाइल से, मेरे दो चैनल हैं, दोनों चैनलों को एक ही लिंक है ग्रुप का। तो अगर आपको कोई स्विमिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, बार बार आप कर रहे हो नहीं हो रहा, तो अपनी हल्की सी वीडियो की क्लिप बना के बता दो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपकी क्या कमी है, क्यों नहीं आगे चल रहे। और उसी भाई ने मुझे फ्री की वीडियो डाली थी जिसमें उसके पैर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलने चाहिए, वो ऐसे 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 हिल रहे थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब पे फॉलो कर लेना। तो बस चलो अंडर वाटर स्टार्ट करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला है, तो चलो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। अब आ गए हम पानी में। पानी में सबसे पहले मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक बता दूंगा, उसके बाद अंडर वाटर की किक बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक या अंडर वाटर नहीं आती तो आप सीखो। चलो ये देखो, ब्रेस्ट में आप जो हाथ चलाते हो ना, ये हाथ आपने सिर्फ यहाँ तक चलाने हैं ब्रेस्ट में। ठीक है, और अंडर वाटर में ये हाथ आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा सकते हो। ठीक है, अंडर वाटर का अंतर पता चला गया कि हैंड मूवमेंट कहाँ तक जा सकती है। ब्रेस्ट में ये हाथ सिर्फ एक बार यहाँ तक जा सकते हैं, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा इसमें। तो अब लेग मूवमेंट की देखो, लेग्स मूवमेंट दिख रही है ना? हाँ सही है। लेग्स मूवमेंट के लिए क्या करना है, आपने फोल्ड करके ना एक पैर वो ऐसे चला रहा था, मतलब कि एक पैर ऐसे चला रहा था और एक पैर ऐसे चला रहा था, ऐसे नहीं चलाना। चलाना दोनों पैर फोल्ड किए और इसको ऐसे किया और देन किक। ठीक है, ये नी अलग ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन ये जो पैर मेरे नीचे जा रहे हैं ये भी नहीं जाने चाहिए। अभी मैं थक गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेग्स ऐसे फोल्ड करके ऐसे पैर रखे, देन किक एंड जॉइंट टाइट कर लेना है। ठीक है, देन ठीक है, ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ, जब आप ऐसे ऐसे किक चलाओगे कैसे चलानी है, तो पता नहीं कैसे होगी। तो ये चेक कर सकते हो, आपको ये जो किक है मेरी, आगे हो जाओ आगे, हाँ ये वाली किक है ना, इसको फोल्ड करना है और पैरों को ऐसे रखना है, खोलना है, देन किक एंड जॉइंट। ठीक है, ये किक ऐसे करनी है। ठीक है, फोल्ड किक, ठीक है, जॉइंट हो जाएगी ये ऐसे। ठीक है, फोल्ड एंड किक, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक की, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक में आपने ऐसे किक चलानी है। ठीक है, अंडर वाटर में भी आप ऐसे ही चलानी है, कोई चेंज नहीं करनी, ताकि आपकी स्ट्रोक ना बिगड़ जाए। तो चलो हैंड बता दिए, किक बता दी, किक को एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे नहीं चलाना, दोनों पैर एक साथ ही चलने हैं। तो चलो आप अंडर वाटर दिखा दें आपको, और एक बार मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से चेक करो अंडर वाटर की। ठीक है, एक बार मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ जिससे आपको दिख जाएगा कि अंडर वाटर कैसे करनी है, और स्लो करके जाऊँगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ब्रेस्ट स्ट्रोक नहीं समझ में आ गया,
आ गया, तो चलो आप पानी के अंदर से दिखा दिए जाए, पानी के अंदर से दिखा दो एक बार, बाहर से दिखा दो तो अच्छे से, एक बार पानी के अंदर से। तो फ्रेंड्स ये देख लो अंडर वाटर, अंडर वाटर कैसे करते हैं, स्विमिंग चेक कर सकते हो, उसमें ब्रीथिंग नहीं कर सकते, लेग्स आप जैसे मर्जी चलाओ, चाहे मैं चला रहा हूँ वैसे चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ कोई मैटर नहीं करता, बस आप चाहे फ्री में चलाओ, ब्रेस्ट कैसे मर्जी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता अंडर वाटर में, क्योंकि स्ट्रोक नहीं होता, ठीक है ना, ये बस वैसे ही मस्ती के लिए करते हैं, स्टेमिना के लिए करते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो कि मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक की किकिंग दिखा दूंगा आपको, फिर लास्ट में डॉल्फिन भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी ब्रेस्ट दिखा दूंगा आपको, ये डॉल्फिन की एक किक मारता हूँ, ब्रेस्ट में ये चलती है, ठीक है। तो ये मैं अभी अंडर वाटर ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप एंड तक देखना, मैं आपको इसकी अकेली लेग मूवमेंट, अकेली हैंड मूवमेंट अलग अलग दिखा दूंगा आगे, ठीक है। अभी आपको मैं ब्रेस्ट दिखा देता हूँ, ब्रेस्ट में किक कैसे चलती है ये चेक कर सकते हो, कि जब मैं किक मार रहा हूँ तो मेरी दूरी कितनी तय हो रही है, कितना होल्ड कर रहा हूँ, हाथ कैसे चला रहा हूँ, कितने फास्ट चलाने हैं, देख सकते हो कि चेस्ट से ऊपर ऊपर ब्रेस्ट में हाथ चलते हैं, तो ये होती है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में नीचे तक नहीं जाते, अगर आप हाथ नीचे लेके जाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप रेस करोगे, अदरवाइज मर्जी आप जैसे मर्जी चला लो। तो चलो थोड़ी सी डॉल्फिन दिखा दें आपको, डॉल्फिन देख के हम फिर खाली लेग मूवमेंट दिखा दूंगा, जिसके कारण आपको और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। ये फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, तो ये मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे करके दिखाना, बट डॉल्फिन आप चाहे देख सकते हो, पैर ज्वाइंट करके आपने कंटिन्यू चलाने हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो आगे दिखा दूंगा लेग मूवमेंट इसकी कैसी रहती है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं ब्रेस्ट में पहले अंडर वाटर करके जाएंगे और ब्रेस्ट में वापस आएंगे, अंडर वाटर में आप केक जितनी मर्जी खोल सकते हो, ब्रेस्ट में कम खोलोगे तो आप ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। तो चलो पहले अंडर वाटर दिखा देते हो, फिर हम दिखाएंगे ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो चलो अंडर वाटर के लिए आप अच्छे से पूछ लेना, ठीक है, और पानी में आई होप आपको अच्छे से दिख जाए। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ, अंडर वाटर में आप सांस नहीं ले सकते, ब्रीथिंग छोड़ते छोड़ते बाहर आ सकते हो पर अंडर वाटर में सांस नहीं ले सकते। अब ब्रेस्ट स्ट्रोक, चलो ब्रेस्ट स्ट्रोक दिखा दूँ। ब्रेस्ट स्ट्रोक में आपके जो हैंड वो चेस्ट से ऊपर ऊपर रहेंगे, ठीक है। आगे समझ में, ब्रेस्ट और अंडर वाटर समझ में आ गई दोनों, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। तो चलो आप पानी के अंदर से दिखा दे, हाँ अकेले लेग मूवमेंट भी दिखा देता हूँ, अब अकेले लेग मूवमेंट देखो, अंडर वाटर और ब्रेस्ट के सेम ही होते हैं, ठीक है, अकेले लेग मूवमेंट, पहले ब्रेस्ट स्ट्रोक के, अब अंडर वाटर के सेम ही रहेंगे, थोड़े तेज चलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे समझ में, अब अकेले हैंड मूवमेंट जिसमें मैं लैग नहीं चलाऊंगा, पहले ब्रेस्ट के फिर अंडर वाटर के, ये देखो ब्रेस्ट के हैंड मूवमेंट सिर्फ यहाँ तक चलते हैं और अंडर वाटर के पूरे चलते हैं। अब अंडर वाटर के बारिश आ गई, अंडर वाटर के फ्रेंड्स आई होप कि आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक सारा समझ में आ गया, अंडर वाटर भी समझ में आ गया, अंडर वाटर कैमरे के अंदर क्या दिखाना, क्योंकि बाहर से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, पानी के अंदर से दिखना नहीं था तो मैंने शूट नहीं लिया पानी के अंदर। तो फ्रेंड्स ब्रेस्ट में आपने जो हैंड मूवमेंट चलानी है वो सिर्फ यहाँ तक चलानी है, ठीक है। अंडर वाटर में आप इसको ऐसे ले आके यहाँ तक चला सकते हो, ठीक है। लेग्स मूवमेंट का आपको सेम रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस नी में अंडर वाटर आप जहाँ मर्जी जहाँ तक मर्जी खोल सकते हो।
अंडर वाटर में कमेंट काफी आते हैं कि अंडर वाटर में सांस कैसे ले, अंडर वाटर में सांस नहीं ले सकते, ब्रीथिंग छोड़ते छोड़ते आप बाहर आ सकते हो, अंडर वाटर में सांस नहीं, जो एक बार में दूरी तय होगी तय होगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि ब्रेस्ट स्ट्रोक करते समय जो हैंड मूवमेंट है वो उसको बिल्कुल गलत मत करना। अब जैसे अगर आप ब्रेस्ट स्ट्रोक की गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे एक पैर ऐसे चल रहा है, तो इसकी भी प्रैक्टिस मत करना कंटिन्यू, क्योंकि एक चीज़ की हैबिट बन गई, आदत बन गई, तो उसको छोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये बातों का ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया हो, और बारिश का मौसम हो गया तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो का एंड कर दूँ, ये ना हो कि बीच में बरसात आ जाए फिर पानी की छप 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 सुनेगी, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। मोटिवेट से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो बनाने का और इंटरेस्ट रहता है, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट देने का, वीडियो को और बढ़िया करने का बल्कि एक मोटिवेट आ जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि लाइक करो, अदरवाइज़ लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, या फिर आप क्या कहते हो सब्सक्राइब कर लोगे तब मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं, सब्सक्राइब से ये हो जाएगा, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे अगर जैसे मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। और हाँ, इसमें मैंने चिंटू की भी थोड़ी सी वीडियो ब्रेस्ट की दिखाई है, आई होप कि आपको उसमें वो प्रोफेशनली जो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद अपने आप आ जाएगी। और कईयों का कमेंट आते हैं कि अगर मैं हाथ चलाता हूँ तो पैर नहीं चलते, पैर चलाता हूँ हाथ नहीं चलते, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप सांस लेते हो ना तो ये हाथ मैंने देखा अभी जो मुझे वीडियो आई थी ग्रुप में, तो वो सांस लेते ना आप ऐसे हाथ मुंह घुमा के बाहर लेते हो ना, फेस को हल्का टर्न करो, पर चाहे पूरे सीधे हो गए सांस कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे आप अपने आप इम्प्रूवमेंट पा लोगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना और अच्छे से स्विमिंग करना मेरी आपको ब्लेसिंग है। और अगर मेरे से कोई गमी हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो बैकग्राउंड में काफ़ी शोर आ जाता है, कई बेले बच्चे काफ़ी मतलब कि अभी तो परेशान करने लग जाते हैं ना, तो वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। बस तो सीज़न ख़त्म होने वाला है, सितंबर 30 तक सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बस लाइव ही आऊँगा। लाइव में आगे 10-15 मिनट या आधा घंटा हमने बात कर ली, और बस यही सिस्टम था। और मेरी पबजी गेमिंग के ऊपर मैं मतलब कि लाइव ढंग से हो नहीं पाता, एमुलेट रखे फिर उस पर खेलना करेंगे, फिर मज़ा आ जाएगा ना। पबजी में मैं काफ़ी बढ़िया खेलता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने अच्छे से किकिंग समझा दी, अच्छे से हैंड मूवमेंट समझा दिया, तो रह गया को कुछ नहीं, ब्रेस्ट में भी इजी है और ब्रेस्ट में भी अंडर वाटर भी इजी है। अंडर वाटर में मुझे कमेंट आ रहे थे, मैंने समझा दिया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी मैंने इसमें कवर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, बाय। और हाँ, जो मुझे मेरी वीडियो में सबसे फर्स्ट कमेंट करता है वो मुझे लिखता है, मुझे हर एक वीडियो में कमेंट करता है, भाई तेरा बहुत बहुत थैंक यू यार कमेंट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। नाम नू मैं भूल जाता हूँ यार, उसके लिए सॉरी, पर तू तुझे पता ही होगा जैसे तू कमेंट करता है मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। और थैंक यू भाई सबको जो मेरी सपोर्ट करते हैं, पर फर्स्ट कमेंट करने वाले को भाई सलूट है भाई, थैंक यू यार, इसी तरह सपोर्ट करते रहना और लाइक करते रहना, थैंक यू।